ना भगवान 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 सो जाओ, भगवान 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 कर सो जाओ, राम 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 कर सो जाओ। तो इंद्रियों का जप जो है वो श्रेष्ठ जप। तुम कहते हो ना अमीर आदमी गरीब आदमी कहते हो, लेकिन इंद्रियों का जप करने वाला, इंद्रियों को छोड़ के इंद्रियातीत आदमी जो होता है ना, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो भगवान का परम भक्त होता है। तुमको मालूम है, ऐसे तो अर्जुन भी राजा था, जैसा कृष्ण राजा वैसे अर्जुन राजा, लेकिन वो इंद्रियातीत था, वो इंद्रियों को जीतने वाला था, तो उस इसलिए भगवान उसको प्यार करते। और सब बोलेंगे अर्जुन बड़ा भारी पांडव का राजा है, पांच भाई का श्रेष्ठ है, गांडीव धनुधारी है, इसलिए गुरु प्यार करते हैं, ये बात नहीं था, लेकिन वो बहुत उत्तम आदमी था। न कांक्षेंग विजय कृष्ण कहता है, न च राज्य सुखा नीचे किंग नो राजन गोविंद। तो वो बोलता है मुझे राज नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, हे भगवान मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा भगवान से बोलता है। भगवान बोलते हैं बस इसको कुछ नहीं चाहिए, निरिच्छा वाला है, इसी को हम दिलाएंगे। ऐसा भगवान उल्टा आदमी है, इच्छा करता है कुछ नहीं दिलाता है, मानना हम मिला हुआ दौलत भाग जाएगा, जो कुछ नहीं चाहेगा उसको सब कुछ मिलेगा, ये मानना, ये उल्टी बात है भगवान की। इच्छा मात्र अविद्या, जहां तुम्हारी इच्छा आई, भगवान से ज्यादा इच्छा किसी वस्तु में आई, व्यक्ति में आई, पैसे में आई, बस बोल। जब तुम खाली भगवान 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 करेगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सब सब अपने आप को खुद ही खुद होगा। कोई गुरु ऐसे हाथ से नहीं देता है किसी को, कोई पैसा नहीं देता, कोई कौड़ी देता, कुछ नहीं, ऐसे हो जाता है अपने आप, नेचर से होता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, नेचर से बरसता है। तो ये आंख ना गिद्ध की तरह तुम्हारी किसी वस्तु में लग जाती, जैसे गिद्ध बहुत ऊंचे उठता है, लाश में आंख रखता है, गिद्ध नाम पड़ा है उसका। मनुष्य की वृत्ति भी ऐसी है, उधर से आओ, वो वृत्ति भी ऐसी है गिद्ध जैसी है। भगवान में भी वृत्ति न रह के और वस्तु में वृत्ति रहती है, थोड़े दिन के बाद ना वो व्यक्ति रहेगा, ना वो वृत्ति रहेगी, ना कुछ नहीं रहेगा, पत्ता झाड़ कर देता है। देखो भजन में जो आते हैं, भगवान गुरु से ज्ञान से ज्यादा किसी भी वस्तु और व्यक्ति में मन कोई लगाता है, उसको एकदम गेट आउट निकाल देता है, आने नहीं देता, उसे दोस्ती भी नहीं गुरु की होती। सिर्फ एक भगवान से वृत्ति होगी, गुरु की दम नहीं है उसको निकाल सके, लाख निकालना चाहेगा नहीं निकाल पाएगा, गुरु की हिम्मत ही नहीं होगी। सुना नहीं, इसका अंदर में आया ना, देखना फिर जैसे दरी सुखाई दरी कैसे डंडा से मारता है, ऐसे मार मार के धूल उड़ा देगा भी। मानना तो तू खाली भगवान भगवान करेगी, तेरे को कुछ नहीं आता, अकल न बुद्धि न, तेरा सब कर देंगे काम, भगवान आगे आगे कर देंगे, तेरे चिंता करने की क्या जरूरत है, कर तो दिया इतना काम, अभी भी और कर देंगे। तुम भगवान भगवान करो, शुद्धता से आओ, मंदिर है जहाँ भजन करते हैं वहां मंदिर है, मेरे करीब आना, मंदिर समझ के आना, छूत करके ना आना, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। मूर्खिन, एक औरत वहां माले मिल जाती है बहुत दिन से, छह महीना से गई, हमको कहाँ है, अरे मेरे बहू और बेटी के लिए आई है, राम जादी की तू ज्ञान सुनने आई, कमी नहीं भजन करने आई है, मेरे बहू बेटे के लिए आई है। अरे छोटी बहू जाए भाड़ में, बड़ी बहू जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब है, हम छोटी बहू और बड़ी बहू को ले तो हम खुद ही भजन नहीं कर पाएंगे, आना हो आए, ना आना हो ना आए, खुला दरबार है, हमने किसी को बांध के नहीं रखा है, जिसको मर्जी हो आए, जिसको मर्जी हो ना आए, बोलो गर्ज होगी सात बार आएगा, नहीं गर्ज होगी बैठा रहेगा। तो बहू और बेटे से क्या मतलब है तुम्हारा, मेरे से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। तो ये प्रपंची नवरत है, छह महीना वहां गई, प्रपंच छोड़ा नहीं, देखो काला मुंह हुआ ना उसका, क्या गई हो वहां। तो ऐसा मनुष्य सोचता है दूसरे जगह जाए तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, छह महीना गई है वहां, अभी तक वो प्रपंच नहीं छोड़ा, देखो अरे भगवान कैसा है, भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान हमको कितना मिला है, ये बोलना चाहिए। तो ये बहू बेटे को लेके बैठिए, देखो जरा, तो इतना दूर बहू बेटे में मन गया, हमारे में कब आएगा, पहले तो माँ में आए, माँ के बाद भगवान में आए, भगवान के बाद परम भगवान में आए, निराकार निरंजन में आए। तो ये ऐसी बेवकूफी की बात कर, जानकारी घर में ना आने देने का मतलब समझा तुम, ये जानकारी करती रहती, उन्होंने क्या खाया, उसने क्या पिया, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, हमको क्या करना है। अरे भाई जो जैसा कर रहा है, बहू जैसा कर रही है उसके लिए, हम बेटा जैसा करता है वो अपने लिए, मेरा क्या जाता है उसमें। तो इस दुनिया के प्रपंच में मन घूमता रहता है, इसी में बदमाशी होती है, कॉल करते हो ऐसी बात ना करना कभी।
मुझे बहुत गुस्सा आएगा, याद रखना गरीबों में इसका बात नहीं है। यहाँ है मेरे को कितना कैच कर सकता है आदमी, तुमको मालूम है मेरे सामने कोई आता है आके बैठ नहीं सकता है, बैठा भी नहीं सकते। चाहते हैं हम इस व्यक्ति को, हम बैठा है नहीं बैठा सकते, किसी को बैठा सकते हैं तो मेरे को ऑब्जर्व करता है, मेरे को वो कैच कर सकता है। तुमको मालूम है पावर कैसे होते हैं, एक पकड़ता है एक फेंकता है, दो तरह के पावर होते हैं। जिसके अंदर में माइंड चलता रहेगा, मन चलता रहेगा, सुअर की तरह उसका उसमें मन रहेगा कीचड़ में, तो हमारे पास नहीं आ सकता, हम बैठा नहीं सकते। वो अमीर हो चाहे गरीब हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने अभी देखा नहीं हमको, अमीर और गरीब का सवाल नहीं है मेरे पास। इतना याद रखना मेरा है सिर्फ ज्ञान, कौन मेरे को कैच कर। सगे भाई बहन होते हैं, एक गुरु के पास बैठ सकता है नहीं बैठ सकता, सगे भाई बहन मानना। अरे हम जिसको बहुत प्यार करते थे उनको हम एक शक्ल नहीं दिखाते, क्यों? बहुत पहले प्यार करते थे, अभी एक मिनट भी सामने नहीं जा सकते हैं। क्या बात है बोलो, क्या बात है बोलो। सुना ज्यादा हो गए, अभी पहले गरीब थे अभी अमीर ज्यादा हो गए, लेकिन हम उनको शक्ल नहीं दिखा पाते। क्या है मतलब बताओ, क्या होता है कि किस गरीबी से चले हैं, आज किस गरीबी को लेके चले हैं, ये तो बीच में पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए अपने आप। धोती जरूर पहनते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लगता था इसलिए हम सफेद पहनते थे, लेकिन उस टाइम बहुत ज्ञान बोलते थे 24 घंटे, लेकिन उस टाइम में इतना पावर नहीं था जितना आज। जो ज्ञान में मन लगाता है और जो मेरे को ऑब्जर्व करता है अंदर में, उस काम करता है। एक तो सुनता है, खाली सुनता है चला जाता है, थोड़ा ठंडक मिली चला। कई तरह के भक्त होते हैं, कोई ना कोई अर्थ के लिए आते हैं, अर्थ उनका सिद्ध हो गया वो चले जाएंगे, और कोई कोई जो होते हैं ज्ञान सिर्फ कैच करने के लिए आते हैं, मेरे को ज्ञान से कैच करते हैं तो मुझे मालूम होता है ये आदमी मेरे को कैच कर रहा है। तुम यहाँ बैठेगा, ये आंख इधर है मेरे तरफ, तो तेरे को कैच करेगा यहाँ से, मुझे मालूम हो जाता है। मानना साइलेंस में, साइलेंस में कैच करेगा, मुझे मालूम हो जाता है ये आदमी इसको कैच कर रहा है। और कोई ऐसा बोलेगा भी हंसेगा भी कैच नहीं करता है, कुछ भी कैच नहीं करता है, वो भी मालूम हो जाता है। तो ये ऐसी कृपा भगवान की हो तो हम लोग इतना ज्ञान नहीं दे सकते इतने आदमी को, कभी भी ज्ञान नहीं सकते। वहां ना वो किसी के पास न जाए, दूसरे को भी खराब कर दे, दूसरे की श्रद्धा भक्ति में भी गंदगी पैदा कर दे। तो मन खुद चल रहा है, देखो खुद हो गया, खुद भगवान को भूल गया। जिस भगवान ने मान दिया, शान दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, वो भूल गया तो वो क्या करेगा, जहाँ जाएगा वहां भूख पैदा करेगा। जिस टाइम भगवान भगवान करो, जहाँ जाएगा सबको खुशी दे देगा, मस्ती दे देगा। तुम वहां करो बिना सोचे समझे, यहाँ करो, घर घर में दशा देखो, घर घर में दशा देखो। जिस टाइम मन आता है सुखड़ी चौपड़ी, सुखी रोटी चिवड़ी जैसी, नोचो तो नुचती नहीं। आज इस टाइम भक्ति होती है पराठा झुमझुम वाला, मेरी माता जी एक बनाती, एक गोरी वाली माता जी पराठा खा लो तुम तो शिव भंडार की पूरी नहीं खाने का मन। शिव भंडार में बदमाशी आ गई, पूरी अच्छा नहीं बनाते, छोड़ दो शिव भंडार को खा लो। तो ये माता जी हमारे पराठा बनाती है, तुम खा लो बहुत बढ़िया होता है, झुम ऐसा ऐसा चुमचुम वाला। भक्ति भी वैसा ही होता है, भक्ति होता तो आदमी झूमता रहता, नाचता रहता। भक्ति ना हो तो देखो सुखट्टा सूख गया, वो सुखट्टा सूख गया तो क्या करेगा। तो भक्ति ना हो तो उस व्यक्ति से बात नहीं करो, उस टाइम देखो शकल, भक्ति है, भक्ति हो तो बात करो, नहीं तो भाग जाओ, भाग जाओ टक्की के माने भाग जाओ, बैठो नहीं उसके पास। हाँ तुम तो कहोगे आया है, बैठना है, बोलना है, नहीं बोलो उसको, महसूस होने दो ये हम कम इंसान बन गए हैं, इसीलिए हमारी इज्जत नहीं होती है। क्राइस्ट बोलते हैं जब हम जगत में जाते हैं तो हम कम इंसान हो जाते हैं, जब भगवान में जाते हैं तो पूर्ण ब्रह्म बन जाते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म की तो इज्जत होनी चाहिए ना, व्यक्ति की थोड़ी इज्जत होनी चाहिए। तुम तो मूर्ख आदमी हो, जैसा भी गंदा गंदा अच्छा आदमी आया उसकी इज्जत करने लगते, नहीं ब्रह्म की इज्जत करो, प्रभु की इज्जत करो। मेरे में ब्रह्म हो तो इज्जत करना, ना इज्जत ना हो तो ना करना, पानी भी ना देना, कोई पाप नहीं लगेगा। तुम ब्रह्म की ही इज्जत होनी चाहिए, ब्रह्म की महिमा होनी चाहिए, ब्रह्म की नमस्कार करना चाहिए। और राग और द्वेष भरा हुआ है, गंदा गड़ा क्या करना, छोड़ो उसको, पड़ा रहने दो, चले
धंधा हो जाएगा, मजा ही करेगा, साफ हो जाएगा, तब फिर गले लगाएगा उस गड़े को, नहीं तो बेकार का गड़ा होता है, गंदा होता है। तो ये मन जो है बार बार राग और द्वेष में, किसी न किसी बातों में, कर्म में आ जाता है। ये नहीं समझता दरवाजा बंद कहाँ से हुआ, अरे अंदर से दरवाजा बंद होता है। तुमको मालूम है अभी ये माला ले आया कोई, ये माला आने का संकल्प कहाँ से आया, उस द्वार से आया जहाँ अखंड खजाना, अखंड खजाना से संकल्प हुआ होगा, प्रेरणा हुई होगी, तब उस बुद्धि में आई होगी, इतना इंसान की बुद्धि में आई तो वो माला लेके आया। यदि अखंड वहां से प्रेरणा न हो तो वो कभी नहीं लाएगा, भूल जाएगा वो। सच्ची बता, एक गिलास पानी भी उसी अखंड खजाने की कृपा से मिलता, नहीं कोई किसी को पानी नहीं दे सकता। तुमको ठंडा पानी निकालने में घड़े में कितनी अस्किट लगती है, आलस लगती है, नहीं तो 100 गिलास पानी पिलाती है, कौन पिलाता है, प्रभु ही पिलाता है। ऐसा भगवान, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, अरे उससे मांगो ना, वाह भगवान, नहीं ऐसा मुंह बनाएगा, ऐसा मुंह बनाएगा, टिनिक टिनिक फिनिक फिनिक हिनिक हिनिक, हम जानते साहब ये टिनिक रहा है, ये फिनिक रहा है, भिनिक रहा है, भिनिक हमको अच्छा नहीं लगता, क्यों भगवान क्यों बोला। अरे भाई जिस भगवान से हमको सब कुछ मिला वो भगवान क्यों बोला, ये इच्छा तुमको मालूम है, आज जगत से पूरी दुनिया से हमको इच्छा परमात्मा से हुई तो हम अच्छे हुए। परमात्मा की इच्छा नहीं होती थी, जगत की इच्छा हमारी खत्म नहीं होती। सच्ची बताए झमेले में इसीलिए संत लोग नहीं पढ़ते, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं करते, नहीं करते, क्यों नहीं करते, बवाल है झंझट। आज हम आश्रम बनाए, सब आ जाएंगे आश्रम में रोटी थाली बटुली लेके, कुछ दिन के बाद वही लड़ाई करते, इसीलिए आश्रम नहीं बनाते। आश्रम अच्छा माना है, आश्रम होगा तो मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा, मूर्खता की बात है, मूर्खता की बात है। मानना करते हुए तुम क्यों नहीं करता है, करते हुए करो, अपने कटौती करो, अपने खर्चे में कटौती करके आश्रम के लिए साधन करो, जो गुरु के घर में खा पी रहे हैं पल रहे हैं उनके लिए कुछ कोशिश करो। आश्रम अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आज हमारे घर में कोई रहता है उसका मन अच्छा नहीं है, कल चला जाता है, कोई बंधन नहीं, ना हमारा बंधन ना उसका बंधन। आश्रम होगा, आश्रम में आ गया एकदम से फिर भागेगा कैसे, हमारे घर में तो नमस्ते जी कल आता हूँ, आ नहीं आऊंगा, आराम के आओ, नमस्ते जी चलो, फिर वहां मार कुट मिले फिर बैठा। तो बोलता है अरे गुरु के घर में रहना बड़ा कठिन है, ये शिक्षा देता है दूसरे को, तुम तो 5 मिनट भी रह नहीं सकता, दूसरे को शिक्षा देता है गुरु के घर में रहना बड़ा कठिन है। सुना तुमको मालूम है बोर्डिंग के बगैर पढ़ाई होती है, हा? तभी तो तुमको पढ़ाई नहीं हुई अभी तक, बोर्डिंग के बगैर पढ़ाई हुई है कभी, तो बच्चे को डाला जाता है पढ़ाई करे, माने निश्चिंतता से पढ़ाई करे, इसलिए बोर्डिंग में डाला जाता है। और तुम सिखाता है बोर्डिंग में कभी नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, कैसे पढ़ाई होगी, पढ़ने वाला बच्चा तो बोर्डिंग में पढ़ेगा, हाँ मस्ती करने वाला तो नहीं पढ़ेगा, या वहां खुराफाती करोगे वो भी नहीं पढ़ने देते, ये बात है। बिना स्कूल के पढ़ाई नहीं, इतना मान लेना, गुरु का घर भी स्कूल है, जितना घसाई और मजाई गुरु के घर में होती है वो कहीं नहीं होती। यदि कोई सहले तो इंसान बन के निकलेगा, तुम अभी गधा भी नहीं बन निकला, कुछ आता है, कुछ आता है, कुछ ना बैठना बोलना कुछ आता है, कुछ नहीं आता। जो गुरु के घर में घिसाई हुई है उसके साथ तुम चलो, अपने को पहलवान समझती हो चाहे होशियार समझती हो, चलो उसके साथ तो फेल हो जाओ, मानना गुरु के साथ जो रहा होगा वो ऑलराउंडर हो जाए, ऑलराउंडर संसार में रहते हुए भी ऑलराउंडर हो, गुरु के घर के सिवाय उसकी अपमान मान अहंकार में चोट नहीं लगे। अभी इतनी दूर आए इतनी दूर चले गए, कौन अहंकार में चोट लगाए, हाँ कौन चोट लगा, कुछ नहीं, जब हमारे पास रहोगे तब तुम चला था सांप जैसा, तब तुम पता लगता है कुमान है जो तुम दूर से कहता है गुरु घर में रहना बड़ा मुश्किल है भैया तुम न रहना, उसको शिक्षा देता है तो तुम कैसा निकृष्ट आदमी है। एक तो गुरु की तो सेवा नहीं करता है, दूसरा दूसरा करता है तो उसको कोई रोकता है, ये बड़ा पाप न करना कभी, जो कर रहा है जो रह जाता है गुरु के पास और उसको उतनी शक्ति मिलती है,
उसका प्यार मिलता है, उसका ताकत मिलती है, बाहर वो निकलेगा तो सारी दुनिया से ऊपर होगा वो। बोलो फिर जो रहेगा ना उसको मन आएगा, मन को मार के फिर भी करता है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हस्ती है वो, तपस्या की हस्ती है। तपस्या खाली बोलने की नहीं है, खाली गीता पाठ कर लिया तपस्या नहीं, गुरु घर में रहो उस तुम्हारा मान अपमान हो तब देखो तुम कैसी गरीबी होती है, कैसी अमीरी होती है, कैसे क्या होता है, सब तुमको देखने में आएगा, आँख खोल देता है गुरु, घिसाई पिटाई करके ठीक कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। देखो वो लड़का बिनू हमको पैसा ले जाता है घुमाने, वो नहीं होता तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, हम कहीं देखने नहीं पाते हैं अपना केस पाते, बहुत मेरा काम करता है, लेकिन हम छोड़ते नहीं, ना उसको छोड़ते ना उसकी माँ को छोड़ते ना किसी को नहीं छोड़ते, ले जाना हो ले जाए ना ले जाना ना जाए, हमको क्या करना है, भगवान भेज देगा फिर दूसरा कोई बहादुर आदमी वो ले जाएगा। इच्छा मेरा हुआ वे चला गया बंगलोर चला गया, चला मेरे तो भगवान भेजता है, हम तुम्हारे डरते हैं क्या तुमसे, तुम स्कूटर में नहीं बैठाएगा तो हम तेरी गुलामी करें ना बैठा, मुझे चाहिए नहीं स्कूटर, हम रिक्शे से चले जाते हैं अपने बिस्कुट से चले जाते बस ना रो, क्या रोने की जरूरत, जब प्यार नहीं कर सकते रोने की कोई जरूरत नहीं, बेटा है उसको प्यार नहीं कर सकता, खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता तो रोना रोता क्या है, बेवकूफ है क्या, रोता है क्यों रोता है, जिंदा बेटे इसे प्यार नहीं करता है, जब बेटा बीमार होता है तो रोता है भगवान जी लाओ भगवान जी लाओ, कहा भगवान क्या क्या करे, लड़ाई में भी काम करे फिर ऐसा भी करे, कितनी मेहनत लेता है, कितनी मेहनत लेता है, भगवान ने बुद्धि दिया है विवेक दिया है, प्यार से चलो शांति से चलो, खुद भी जियो उसको भी जीने दो, एक एक बात से खटखट होती घर में, मानना तुम छोटी छोटी बात में माँ भारत हो जाता है, कौन ऐसा घर है जहाँ खटखट नहीं होता है, हमारे घर में नहीं होता खटखट, फिर हम कैसा चलते हैं बोलो, अरे वो अच्छा करे वो अच्छा करे वो ना करे वो ना करे हमसे क्या मतलब, हम क्या करते हैं बस, हम करेंगे हमको शांति मिलती है, बेटा करता है बेटे शांति मिलती है, जब जिंदा तुम प्यार से नहीं चलता है पीछे क्यों रोता है, फिर रोने का मतलब क्या है तुम्हारा, बोलो प्यार से चलना शुरू करो आज से, हम बता दे रहे हैं प्यार से चलना शुरू करो, ये बहुत बड़ी वार्निंग है, जो अभी बीनू की बीमारी हुई ये बड़ी वार्निंग है, चला जब आप बंद हो गई थी बस में वो भी एक वार्निंग है, जो बड़ा होता है वो धीरज वाला शांति वाला चुप वाला होता है तभी घर चलता है, तू मान लेना, नहीं तो उत्पात तो होता ही है, नौकर उत्पात करता है, कहीं बेटा उत्पात करता है, कहीं बहू उत्पात करती है, कहीं कुछ ना होता तो बिल्ली दूध गिराती है, अब बताओ तो लड़ाई हो उसमें दूध गिराया दूध गिराया, दूध पोछ पाछ के बतेला होकर के कल वहां दूध ना रखो, हाँ सच बात कहते हैं, नहीं तो जिंदगी जलती हुई जाती है, याद रखना अपना चाहे दूसरे, तो तुम चलना सीखो, चलना गृहस्थ में चलना सीखो, 5 मिनट का काम होता है तुम उसको बोलता है ऐसा नहीं होता हमसे, अरे 5 मिनट करके छुट्टी करो ना, डूबो नहीं वही नहीं, 5 मिनट ऐसा ऐसा करके हटो, हंसो भी नहीं, नहीं उनकी जब भी ना करो, हंसो का मतलब फंसने से तो जब करेगा ना, अच्छी बात नहीं कही, नहीं रोज भजन में आई रोज भजन से चली जाएंगी, पारब्रह्म कितने बड़ा नाम है तुमको मालूम है, पारब्रह्म कहा आता है और दुनिया में जगत में फंसा तेरे गले में फांसी लगी पड़ी है, पारब्रह्म कहता है, खूब गाना गाता है तबला हारमोनियम लेके, हम तो समझे सच्चा भजन गाता है, तो झूठा भजन गाता है, एक दिन हमको चुड़िया गाना सुनाया 12 साल गायब रह गई, फिर हमने बबलू को कहा भाई ढूंढ लाओ वो चुड़िया वाली कहाँ गई, बहुत ढूंढ ढाड़ के आई आई थे एक दिन, फिर बहुत दिन के बाद हमको बहुत गाना सुनाने लगी, हम फिर खुश हो गए, हमने सोचा पारब्रह्म वाला गाना बहुत अच्छा सुनाती है, वो फिर एक आफत आ गई उनके पास, तो हमने बोला कहाँ भाई पारब्रह्म वाला गाना सुनाती है, पारब्रह्म तो बहुत शक्तिशाली होता है बहुत ताकत वाला होता है, तुम पारब्रह्म करेगा बला भी भस्म हो जाएगी, जब बला आने वाली होगी वो टल जाएगी, मानना, तो पारब्रह्म का तुम भजन करो हृदय से, तुमको आता क्यों है भजन, आता है तो हृदय से, या तो ना आए ठीक है, आता ही नहीं गला भी है गाता भी है, तो पारब्रह्म के भजन ऐसा करो पारब्रह्म ही रह जाए ना, और क्यों रहता है जगत का कूड़ा खजाना, झंझट बवाल
क्या मिलता है तुमको? बदमाशी न करो, इसको ना बैठा। मैं भजन करती थी, मेरा बच्चा भजन करता है, तुम मानना हाँ करो। वो भी पहले का बच्चा था, पीछे का होता तो पता नहीं क्या होता। ये माँ तो कानी माँ यार, रामजादी सुनती नहीं क्या जो बच्चा पैदा करती है? यदि सच्ची तरह से बच्चा पैदा करे ज्ञान सुन के, तो वो बच्चा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो। ये तो सब कहानी है, सुनती नहीं है रामजादी, यहाँ सुनती यहाँ उड़ाती, यहाँ सुनती यहाँ उड़ाती। हम तो पहले भजन किए थे, भजन नहीं करते थे उस टाइम का बच्चा भी आज भजन करता है। देखो क्यों, हम सच्चा भजन करता है, मेरा बच्चा अवश्य भजन करेगा। तू मानता है? कॉन्फिडेंस है, मेरे बात में कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं, रास्ते में क्या भी हुआ ऐसा ऐसा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आगे उस एंड अच्छा है ना, एंड मेरा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो हमको ऐसा नाज होता है। तो ये देखो माँ बैठी है तो बच्चा भी बैठा है, स्थूलता में माँ बैठी है तो स्थूलता में बच्चा भी बैठा है। और यदि अंदर से माँ बैठेगी प्रभु में तो अंदर बच्चा भी अंदर से बैठ जाएगा अवश्य, ये मान लेना। तो तब तुम नशी वाली माँ हो जो भजन करने वाली, जो माँ बनी हो और भजन करती हो हृदय से, तुम्हारा बच्चा अवश्य भजन करेगा, अवश्य जहाँ जहाँ होगा वहाँ ठंडक होगी, वहाँ आराम होगा, वहाँ शांति होगी, वहाँ सेवा होगी, वहाँ प्रेम होगा, तो कितना अच्छा होता है। हाँ, चाहे कोई सुखी है, बोलो, हमारी लड़की जाती है कोई दुनिया में सुखी है, हमको अभी सुखी, आगे हम भी तो सास है, हम भी तो माँ है, तो दूसरी भी सास माँ है, तो बेचारी सुखी है, कितनी नमस्ते करने वाली बात है, अच्छी बात है। नहीं तो घर घर में देखो फटकट लड़ाई होती है, आफत होती है, इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है। और तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा, तुम्हारी बहू आके तुमको सताएगी, तुम कितना कष्ट में आओगे। हाँ, इसी तरह से सबका हृदय है। तो भगवान भगवान करो, राम राम करो, सब में प्रभु को देखो, सब में भगवान 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 करो, बस भगवान 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 करो। देखो बर्फ की तरफ कुछ गल जाता है, तुम देखता है भगवान भगवान करने से ये नस नाड़ी एक कुछ भी एक काम नहीं करते। एक विवेकानंद इतना बड़ा था, जा रहा था रेल में, कुछ भी नहीं कर पाता था ऐसे बेटा। तो सब लोग कहते थे वो खाना वाना तो काम करने नहीं करता है, नौकरी नहीं, कुछ ऐसा गाली दिया। वो तो बहुत ही धुरंधर ऊंचाई पर चढ़ चुका था, इसलिए ऐसा होता है। जैसे मेरी कंडीशन पर कोई चलता होगा तो कार्य नहीं कर सकता, मेरी कंडीशन तो माना ये नस नाड़ी काम नहीं करती, फिर भी तुम लोगों के पालन के लिए, तुम्हारे नमस्कार के वजह से, तुम्हारी शरणागत की वजह से मेरे में दम आती है, मैं करता हूँ। तो तुम्हारे भी वजह से भी नहीं, तुम्हारे बाप की वजह से, क्यों? उन्होंने मेरे को भजन करने दिया, गृहस्थ में भजन करने दिया, तो अपने घर को धर्मशाला बनाया, इसलिए उनकी बच्चों को हमने सोचा पिछड़ गए हैं, अभी चढ़ा दें तो चढ़ा दें, चढ़ा दिया। क्यों क्यों सोचा? क्योंकि जिसने अपना घर धर्मशाला करने दिया, मेरे तन को धर्मशाला करने दिया, मेरे धन को धर्मशाला करने दिया, इसलिए उस व्यक्ति की क्या होती है, हाँ, तो हमने ये काम उठाया, सुना उठाया। तो इनकी चबाए दियो तीनों धामा, तो बनी के चावल भी खूब चबाया हम, चबवाए और चबाए, तो हम तीनों धामा। देखो उसकी बात क्या करते हो तुम, सुदामा की बात, वो तो पुरानी बात है, सुदामा ने ऐसा बोला। आज भी बाबूजी के चावल चबाए दियो तीनों धामा, हुआ कि नहीं? प्रत्यक्ष याद रखना, तो प्रत्यक्ष तुम भजन करोगे और गीता को आगे करोगे। तुम्हारा नाना गीता पढ़ता था, तुम्हारी माँ गीता, गीता का रूप है माँ, नाना गीता पढ़ता था, उसकी माँ भी गीता पढ़ती थी, और उसके बाद और तुम्हारी माँ जो है गीता का रूप है, गीता की ज्योत है, याद रखना, गीता और तुम्हारी माँ भिन्न नहीं है, एक ज्योत है। तो जब गीता का अध्ययन तुम करोगे, जाओ तुम्हारा सब सुख हो जाएगा, तुमको कोई कष्ट नहीं है, तुम आराम से जिंदगी तुम्हारे घर का वो है शास्त्र है, गीता से ही सब होता है। जीवन जो गीता में जीवन रखता है, उसका गीता जीवन चमकता रहता है, आराम में रहता है, निरीक्षा होता है, निरीक्षा, कुछ नहीं चाहिए बस, बोलो कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रभु चाहिए बस, इतना मांगो, और मांगने की कोई जरूरत नहीं, सब भरा अपने आप भर जाएगा। तुम मांगता क्या है, कुछ नहीं मांगो, बोलो मेरे को सिर्फ ज्ञान चाहिए बस, प्रभु चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, ऐसा बोलो भर जाएगा।
हमको तो ऐसा ही, मेरे को भगवान चाहिए था, देखो मेरे पास सारी दुनिया पीछे, दुनिया पीछे हम आ गए, बाल बच्चे सब आ गए, अब तो सब आ गए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था एक प्रभु के सिवाय, कुछ नहीं। तो आज देखो सब मिल गया, आज और कुछ चाहिए था तो कुछ ना होता, न प्रभु मिलता ना जगत मिलता, सब लती आगे मार डालते, अभी तो पीस गए होते। एक प्रभु चाहिए बस, प्रभु ही प्रभु है, राम 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 राम, ऐसा करो ना तब तुम्हारे रोम रोम में राम आ जाएगा, यहाँ यहाँ सब जगह राम आ जाएगा, राम ही सत्य है, राम ही नित्य है, राम ही राम, ऐसा करो तो उसी राम में सो, उसी राम में जागो, उसी राम में खाओ, उसी राम में तुम मानो, सेवा बहुत करती हो, मानते हैं हम, लेकिन बोलती तो नहीं हो घर में जाना, न बोला करो, कोई जरूरत नहीं बोलने की, बोलने से झंझट होता है, बोलना बंद करो, अंतर्मुख हो जाओ, हर बात के लिए तैयार रहो, सोल्जर्स के लिए। आज हमारे सिपाही गए पंजाब में, हर तरह से लड़ने को तैयार है बेचारे, जान हथेली में लेके गए, तुम मानना हम लोग भी जगत में ऐसे मैदान में खड़े हैं, तुम लोग तो बहुत खाने बहुत जीने बहुत सुख के लिए सोच रहे हो, लेकिन जगत क्षणिक है, इसमें कितनी परीक्षा देनी है भगवान जाने, ये तो भगवान टाल देता है परीक्षा, अभी भी जागो अभी होश में आ जाओ, अभी जागो अभी होश में आ जाओ, हाँ न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, चुप हो जाओ, मौन धारण करो, तुम घर में बकबक करता है, बोलता रहता है, तो कुछ करना ही नहीं है तो बोलो भी कम ना, चुप रहो, हमने यहाँ तक कराया, अभी एक रोटी कायदे से नहीं मिलती तुमको, होटल तो है ना, नहीं होटल में खाओ, मेरे पास आ खा लो ना, दो ही रोटी खानी है सिर्फ, अरे तुमको रोटी नहीं मिलती, गुस्सा करके झड़झड़ क्यों करता है, चला मेरे पास, हम गरम गरम पराठा बना के अपने हाथ से खिला देंगे बस, सब्जी नहीं नमक से खा के चला जा, क्या बोलने की जरूरत, बोल के अपना झंझट में आता है, चाय नहीं मिलती, होटल देखो यहाँ पर है, माता जी के कमरे में होटल पड़ा है, जाओ पियो, तुम बोलता है इतना खून खर्च करता है, इतनी परेशानी में आ जाता है, चुपचाप एक प्याला चाय पी के क्या करना, एक ही चला पिएगा ना, क्या करेगा, दो पराठा खाएगा बस, सोचो मेरी बात, आजकल तो बनेगी बनेगी, नहीं बनेगी तो खाएंगे कहाँ से, लोग बाद नहीं बनाएंगे गुस्से में, कल बनाएंगे जरूर, आज हमारे यहाँ दाल तोने से नहीं बनेगा तो कल तो बनेगा, तो कल खा लेना, नहीं दावत नहीं खाएंगे तो कल, तो ये बोलो नहीं, अभी प्यार से इज्जत से कैसे कायदे से चलते हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, तो जिंदगी अच्छी बनानी, अच्छी जिंदगी बननी बनती है तो कितना अच्छा होता है, आशीर्वाद कितनी मिलती है, नहीं तो कितना टेंशन बताओ, इतना हम भजन करें, इतना बड़ा भगवान मेरे खोपड़ी में बैठा रहे और जगत की टेंशन, बताओ हम जिए तो कैसे जिए, अरे हम तो बड़े झंझट में पड़ जाते हैं, तो तू राम राम करो तो हम एक एक जगह से तो फुर्सत पाए ना, अभी एक से तो फुर्सत पाए, छुट्टी मिली ना, अभी और जो कुछ बचा कुचा धन ओखा बनाना है, अभी एक से तो फुर्सत पाए, निश्चिंती हुई तो कितना तुम्हारी धन्यवाद, मुझे तो कुछ जरूरत भी नहीं है, एक पाई तुमसे चाहिए भी नहीं मुझे, सच्ची बताए, लेकिन निश्चिंती तो हमको दो, जिस तरह से हम तुमको देखना चाहते हैं वैसे जेंटलमैन बनो, एक राजा का बेटा होता कैसा होता है, हा? नहीं तो नवाब के बेटे कितने आरामी होते हैं, लल्लू पंजू जगदर कर दे सुअर जैसे, बड़ी गुस्सा लगती है, अरे राजा का बेटा कैसा चमाचम, अरे कौन जा रहा है, राजकुमार जा रहा है, तो भगवान का बेटा है ना वो भी वैसे होना चाहिए, भगवान का बेटा भी ऐसे होना चाहिए तब अच्छा लगता है, इन लोगों को भी नाज होता है, हाँ देखो देखो मेरे गुरु जी का बेटा है, नहीं ऐसे बोलते हैं, सब दिखाते हैं एक दूसरे को, मेरे गुरु जी का बेटा जा रहा है, ये गुरु जी का पोता जा रहा है, अब लेके ढेला मारो सबको नाक फोड़ कर कौन कहेगा ये गुरु जी का पोता है, लती आओ सबको, रास्ते में बैठे वाले आदमी के ऊपर कुर्सी से चढ़ जाओ, पैर से ठोकर लगता है, तभी नहीं ठोकर मारना चाहिए, होता है सत्संग जितने भी होते होता है उनको नमस्कार करो, जो भी गलती है जो भी भूल है वो हमारी माफ करें, बच्चों से गलती हुई हो हमसे गलती हुई हो जिससे भी गलती हुई हो सब लोग माफ करें, बोलता है खता बख्शो, खता जो है हमारी गलती है हमारी भूल है उसको बख्शाना चाहिए,
जैसे जैसे बड़ा होता है आदमी उसका झुकता है, मान होता है, ये सब मान है, रोज भजन करते, ऐसा तो कहीं भी मिलेंगे नहीं तपस्या। सब लोग सब बड़े बड़े संतों के यहाँ भी एक टाइम भजन होता है, ये दोनों टाइम भजन का, ऐसे पंडित कहाँ मिलेंगे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी पंडित तो कहीं मिलेंगे नहीं, वरना एक एक सत्संग ही मान है। जाड़े में सर्दी में गर्मी में बेचारे कैसे आते हैं, प्यास सब सही जाते हैं, तो बड़े अच्छे आते हैं। आज इनको चाय बना के पिलाओ हमारे घर, चाय गीता पुस्तक में मिलता है, गीता एक ऐसा पुस्तक है, अमृत है, अमृत जो जैसी खोज देखेगा अंदर में जाके, उसने होता मतलब पल्ला ही जोड़ डालो, चलो चद्दर बनाओ, क्या है ये सब स्थूलता के काम, छोड़ो ये सब किताब में जोड़ो, अगर गीता से कभी चल ले जाओ, जल्दी काम करो, ताकत इतनी फुल ताकत ले लो, फिर तुमको देखो आज गुरु है, आज हम खुलेआम तुमको गाली देते हैं, तुम्हारे मन के ऊपर हमला करते हैं, ऐसी दम किसी में नहीं होगी, मानना तो चाहे कहीं भाग ना जाए, चला ना जाए, ये हमको पूछे कि ना पूछे, कई तरह के दिल होते हैं गुरुओं के भी, ठीक है हम ही हैं ऐसे, हमको भैया भगवान के सामने कोई कुछ डर नहीं लगता कि भजन किया कि नहीं किया, बस इतना मेरा ध्यान रखना, भजन कर रहा है व्यक्ति या नहीं कर रहा है, तो उसी में हम लड़ पड़ते हैं, गाली दे देते हैं, तो हम इतने करीब आए, तुम इतने करीब आए, हमने इतना तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा मन मेरे नीचे तो डर गया ना, भूत तो डरा, भूत डरा माने अवश्य भजन करेगा, नहीं तो बच्चा डरे नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से, मानोगे, तो तुम जल्दी करो, जल्दी काम करो, अंतर्मुख हो जाओ, देखो आज भी मेरी जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है जरूरत, तो ना मेरी जरूरत क्यों पड़ती है, तुम्हारा प्रभु अंदर है, अरे फोटो निकाला यार का, देखा फोटो, वो यार जो होता है हृदय में है ना, फोटो निकालो देखो, बस मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ती है, मेरे तक आने में तो लंबा चौड़ा रास्ता है, वहां केसर बाग नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, अंदर में ही प्रभु है, तुम उस प्रभु को निकालो, अपने आप आनंद लो, तो ना भगवान गीता पूरा आपकी वाणी में बच्चे आशक्त है, बहाना बनाते तुमको जब कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमको मालूम है दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम ही अच्छे लगते हैं, तो अब तू यार का फोटो अंदर देख, हमने जिसको जगत अच्छा लगता है उसके लिए वो हमारे पास जरूर आएगा, जगत से थोड़ा हटने के लिए, जब बहुत जगत से ऐसा हो गया कुछ मजा ना आए प्रभु के सिवाय, तब अपनी तस्वीर यार को निकाल, मेरी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो दो भाषाएं मेरी, दो भाषा है ना, तुम उल्टा उल्टा बात करो तो हम लड़े, ऐसा मजा नहीं आता, बात भी गरम गरम चला, परमात्मा की बात गरम गरम, ऐसा ना वैसा काम, जब तक प्रकाश ना हो, प्रकाश तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश ना हो तब तुम प्रकाश नहीं, मानोगे, प्रकाश माने अंदर बाहर से प्रकाश, प्रभु में दिल लगा माने प्रकाश, परमानेंट प्रकाश आएगा, और थोड़ा थोड़ा ये प्रकाश होता है, ऐसा ही छोटा प्रकाश है, ईश्वर का प्रकाश बड़ा प्रकाश है, तो वो प्रकाश मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, बस छोटा सा है प्रकाश तो तू पहले है, स्वरूप हूँ मैं, प्रकाश स्वरूप हूँ माने ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये निश्चय हो जाए, एक का एक काम तो छुट्टी हुई, एक से तो फुर्सत मिली, बहुत काम करना है जिंदगी में, बाहर से अर्थ वो सब बनाना है, एक पोजीशन पर लाना है, दूसरा अंदर से भी परमात्मा में पहुंचाना है, तो मेरे पास तो बहुत समय कितना होगा आप बताओ, अब सीढ़ी में चढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल से चढ़ते, उतरते हैं तो बड़ी मुश्किल से उतरते, ये तो ठीक है प्रभु कृपा है, नहीं महसूस होता है, लेकिन नहीं चढ़ पाते, नहीं उतर पाते, तो आज जो समय है इसको गंवाना महामूर्खता की बात, चाहे हम स्थूल काम करते हो मेरे पीछे चलना चाहिए, चाहे हम अंदर की काम करते हैं वो भी मेरे पीछे चलना चाहिए, अब स्थूल कोई काम करने के लिए हम कहते चलो एक काम करो, आज तुम नहीं करता है ना, नहीं करेगा कल करेंगे,
तो कल हम तो औली आदमी है, आज तुमको कोई चीज देने को तैयार है, ये चीज तुमको देने को तैयार है, हम कल उसको दे देंगे, नजदीक जो सामने है उसको दे देंगे। क्यों नहीं तुम चले मेरे साथ, क्यों नहीं चले? अभी कर सकते हैं हम काम, कल नहीं कर सकते। अभी मेरे में संकल्प आया, कोई चीज किसी को देना है, तुम चलो मेरे साथ, दे देंगे, कल नहीं दे पाएंगे। ये बबलू भी ऐसी, इसने कुछ बोला उसी को, उसको ऐसा ना छोड़ दो, नहीं तो पीछे पछता है। क्या होता है चिड़िया चुग देखे कि देने को कहा था, आलवर हो गया चला शब्द, हमने जो बोला उसी टाइम करो, उसी टाइम करो, उसको नीचे जाने जाने जमीन। अभी हम प्रकाश कहते हैं चल प्रकाश तुमको कुछ कर रहे हैं, वो कहेगा अभी रुक जाइए फिर कल करेंगे। कल माने कल रावण ने क्या कहा था, कहा था कि उसी जल्दी कर लेना, जो काम हो जल्दी कर लेना, कल के लिए न रख, बोला था। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो उस टाइम में उसी टाइम करो, कल नहीं होता। देखा ना किसी बोलते चलो, किसी बोलते ना चलो, क्या क्या बोलते रहते हैं, झंझटी बात बोलते हैं। तुम कर लो ना उतनी देर, करो तो फिर मजा आएगा। ये भरपूर हो गए, जिसने जिसने पकड़ने की कोशिश की, जिसने पकड़ने की कोशिश की और पकड़ा, उस दिन भी पकड़ के सेवा किया तो संसारी बातें तो भर गए। पहले इससे पूछो ये जो है मेरी सामने रहती है, बात तुम्हारी सच्ची है लेकिन दयालु स्वभाव होता है ना, इसीलिए दया में आके भूल जाते हैं हम, दया के कारण भूल जाते हैं। क्या करें, हमारे में भी बदमाशी है। भूत लगता है तो छोड़ता ही भगवान लगेगा तो कब छोड़ेगा, वो भी छोड़ने वाला नहीं, मार के कैसे भी नीचे लगा रखता। भूत ही नहीं छोड़ता, एक भूत होता है रास्ते में आता है, वो नहीं छोड़ता है, तो भगवान कैसे छोड़ेगा? भूत भगवान लेकिन खा जाएगा उसको, लेकिन भगवान खाएगा नहीं, ईगो खाएगा, भगवान भी खा लेता है, ईगो खा लेता है। कोई आदमी आया है, भगवान भी जो है ना, देखो जन्म 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 से हम लोग को छोड़ा, करता है कोई इतना डीप में नहीं जाता है, उस गीता में से शार्प तत्व को निकाले और पिए और पिलाए, तो ऐसा नहीं करता है। आगे कलम वलम टूट गई क्या, क्या हो गया, कलम टूट गई तो ना जान लेना, तो अभी कर नहीं सकता है। देखा तुम कर नहीं सकता है, क्यों? उसके भाव ज्यादा होगा तो तुम कर पाएगा, कम होगा तो नहीं कर पाएगा। परमार्थ जो होता है याद रखना, जितना निष्काम होके करेगा उतना फल है, ज्ञान जो है निष्कामता से बढ़ता है। तुम लिखेगा चाहे गाएगा चाहे बोलेगा, जब निष्कामता तुम्हारे अंदर रहेगी दिन दुना रात चौगुना फलेगा, और जब तुम्हारे वहां शिकामता आ जाएगी तो ठप हो जाएगा। तो मान लेना बात, ये निष्काम जीवन जिंदगी है, बीमारी में कितना खर्च करता है, मरने में कितना खर्च करता है, जन्मने में कितना खर्च करता है, यदि भगवान के लिए कुछ खर्च हो भी गया तो क्या हुआ, क्या हो गया, कम थोड़ी होगा। अरे इस हाथ से करेगा उस हाथ से पाएगा, तो मान लेना है बात। तुम जानते हो तुम्हारा अस्तित्व जो है ना सड़ा गू की तरह बदबू आती रहे, तो कलम तुम्हारा चलता है चलता फिर बंद हो जाता है। ये क्या है, शकामता तुम्हारे अंदर आ गई, शकामता से फायदा और नुकसान देखता है, उसी में तुम काम नहीं करता। अरे ईश्वर को तो सब कुछ चढ़ा दो, जो कुछ है तुम्हारे पास सब चढ़ा दो, देखो फिर उसके बाद नाम तो पीछे होता है, सुख तो पीछे होता है। आज जो देखता है ना ये सुख ये आराम ये सब हो रहा है, ये सब होता है ना, अरे बहुत जूते खाए होंगे, बहुत काला मुखिया होगा, बहुत दुनिया ने थूका होगा, तब आज ये होता है। तो जल्दी से हम भी इसी इच्छा में बैठ जाते तो फिर तो आज बन चुके, माना बहुत निष्काम होने के बाद ही ये परमात्मा तुम्हारे ऊपर फलीभूत होगा, मानना। और थोड़े में तुम्हारा ऐसा 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 होता है ना बुद्ध बुद्ध, तो वो ठीक नहीं, वो अच्छी बात नहीं। ये सरस्वती देवी है, मानना, ये सरस्वती बोलती है, व्यक्ति नहीं बोलता है। तुम मानोगे ये फलानी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान बोलता है। देखो तुम्हारा चित्त भगवान में होता है कैसा गाना निकलता है, कैसा मृदंग बजता है। अब आ जाओ देह में, बोलो देखे कैसी बोलता है। हमको भी, हमको से भी भगवान की बात बुलाओ,
हम औरत होके कभी नहीं बात कर सकते हैं। देखो तो एक एक खोपड़ी बड़ी भारी बैठी है, एक से एक बढ़ के दिग्गज बैठे हैं, ये विद्वान पढ़े लिखे होशियार इंजीनियर डॉक्टर सब बैठे हैं। सबको मुर्गा क्यों बनाते हैं? परमात्मा बनाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, औरत को तो पसीना आ जाएगा मर्दों के सामने बोलने के लिए, लेकिन मर्दों का मर्द जो होता है पुरुषोत्तम भगवान बोलता है। पुरुषोत्तम भगवान जब खोपड़ी में आता है तब बात होती है। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान के लिए कुछ भी हुआ भी है तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा, जाओ। लेकिन उसका ऐसा न करो, ऐसा ऐसा जो जोड़ घटाओ न करो, छोड़ो। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, अपने आप सब हो जाए। थोड़े में खुशी आती है, थोड़े में दुखी होता है, थोड़े में खुशी, ये क्या बात है? ये कोई मन, तुम मन के साथी बने हुए। अरे मन को ऐसा करो ना, उससे ऊपर चले जाओ। मन के पास साथ क्यों बैठा है? कौवा के साथ क्या बैठा है? कौवा हमेशा नाली में जाएगा। हंस के साथ बैठो तो हंस तुमको दूध पानी अलग अलग करके पिलाए। विवेकी संत जन बैठे हो तो प्रकाश भारी। मन के साथ बैठना, कौवे के साथ बैठना। तुम जब विवेक के साथ बैठेगा तो विवेकी संत जन बैठे हंस पंछी तुमको सरोवर में ले जाएगा, सरोवर में पानी में ऐसा ऐसा चलाएगा, नहीं तो ऐसा ऐसा दूध ऐसा बना के बैठना। सुना क्या ये है? तो मन के हाथ में है ना, डाकू के हाथ में है तो शांति कहाँ मिले? डाकू से तुम छुटकारा पाओ, मन है डाकू, याद रखना। जिधर लगता है उधर ही का रूप हो जाता है, भगवान में लगेगा भगवान का रूप हो गया। अब लग गया किसी ख्याल के रूप में, अब देख लो क्या होता है अंदर, देखो क्या हो रहा। हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं, तुम्हारी एक एक बात जानते हैं, तारों के तार में है, याद रखना। व्यक्ति करके तुम ऐसा बोलता है गुरु जी सुनते थोड़ी है। अरे एक एक तार तुम्हारी झनकती है मुझे पता होता है। देखो एक व्यक्ति आता है कहीं से भी, तार झनकता है तो आता है, पहला पहला उस तार के ऊपर कौन बैठा है? सरकार की वो बैठी है। कौन? टेलीफोन एक्सचेंज में कौन बैठा है? हाँ, उसको सब सुनाई पड़ता है, चारों तरफ के तार की बात सुनती हो। एक दिन हम लंदन बात कर रहे थे, कहीं बाहर बात कर रहे थे, हमारी बात सब सुन रही थी, उसको बता रही थी, उसकी बात हमको बता रही, बीच में वो थी। हमने बोला लो भैया हमारी तो सब बातें सुन रही है। सुना? और मैं कोई बुराई की बात नहीं थी, अच्छाई की बात थी, लेकिन वो सुनती थी सब। ऐसी बात होती। इसी तरह से सदगुरु भी तुम्हारे जो निराकार निरंजन की हद पर बैठा हुआ है, मान लेना बुद्धि है ना। अरे विवेक को ही उजाला करता है, तभी तुम्हारी बुद्धि को उजाला होता है, तुम विवेक कहता है उसको। जब गुरु टाट से ऐसा हटा दे तो बुद्धि बुद्धि रह जाएगी खाली, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में काम होना, एक्शन होता है, क्यों होता है? जब सदगुरु तुमको टच करता है तब तुम्हारी बुद्धि में एक्शन होता है, नहीं तो बुद्धि सो जाती, बस सो ही रुक गई, ऐसा होता है। तो ये शरीर ही परमात्मा ने चिलाया है सिर्फ भजन के लिए, बस और किसी काम के लिए, बहुत काम कर डाला। क्या करना है? पहले ऋषि मुनि महात्मा जब एक बच्चा पैदा होता था उसके बाद भैराग धारण कर लेते, भैराग में आ जाते थे, एनर्जी को खर्च नहीं करते थे, परमात्मा 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 के योग में लग जाते। तो परमात्मा का योग जो होता है बहुत रसमय हो जाता है, उसके रस पीने से फिर कुछ ही रस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा परमात्मा बड़े धन्य नसीब वाले जवानी में ज्ञान लेते हैं, बुढ़ापे में ज्ञान लेना तो कुछ नहीं होता है, वहां तो बेवकूफी होती है। बुढ़े लोग न समझे, जो बुढ़े हैं वो न समझे, वो तो जवान से ही कर रहे हैं तभी तो आज मिले। लेकिन जो बुढ़ापे में कोई आता है भजन करने के लिए वो बहुत मुश्किल से समझ पाता है, लेकिन ये न समझे कि आज ही हम आए हैं, हो सकता है जन्म जन्म से कोशिश करता हुआ आया। नहीं, जवान बच्चे जो भजन करते हैं ना वो नशीब वाले हैं, तुमको दुख लगेगा नहीं, इतना हमारी गारंटी है, जाओ दुख लगेगा नहीं, प्रभु के सुमरण में दुख न संतापे ना आए, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा माँ बाप बने रहेंगे हमेशा, कोई दुबला हुआ तो तुमको दुख होता है, ये बाप बाप तुम दुबला हो गया, हम क्या करें दुबला हो गया, शरीर तो छिड़ होने वाला है, शरीर हमेशा रहता है क्या? आत्मा हमेशा नित्य रहती है, आत्मा को देखो, आत्मा हमेशा है, आत्मा का शरण करो, आत्मा से ही सब होता है। शरीर तो ऐसा ही है, इतना भी मोटा दुबला होता रहता है, पत्ता जीता रहता है, उसके पहले इतना ज्ञान होना चाहिए, शरीर के रहते ही माँ बाप के रहते ही मेरी माँ थी, मैंने ज्ञान ले लिया, मेरी माँ खत्म हुई, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मेरा पिता हमको बहुत प्यार करता था,
पिता का शरीर छूटा, मुझे कष्ट नहीं हुआ। क्यों? मेरे को गुरु मिल चुका था, मुझे ज्ञान मिल चुका था, मेरा माता पिता सब गुरु था, तो इसलिए मुझे कष्ट नहीं हुआ। तो ना, जो अक्कल वाला आदमी है, शरीर चीज रहते हुए ही वो ऐसा हट जाता है, माँ से बाप से सब चीज से हट जाता है, प्रभु 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 करता है। तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें द्रव्यम, सब बात से हट जाओ, जल्दी हटो। तुम देख रहे हो चांद वहां पर पहुंच गया है, पहाड़ पर। मेरे पिताजी आखिरी दफे आए, हमने कहा पिताजी चांद जब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है तो कभी भी डूब सकता है। उन्होंने बोला हाँ सच सच कह रही है, लेकिन क्या करे, ये जंजाल ऐसा है कि जंजाल से मोह छूटता नहीं, ऐसा बोला। लेकिन हमने बोला उनको विवेक से बात किया, लड़की और बाप कहाँ बात कर सके डर के मारे। हमने बोला पिताजी जब वो पहुंच जाता है पहाड़ के ऊपर कभी भी डूब सकता है। उन्होंने बोला हाँ, तो देखो ये ऐसा ही है, अब हमारा जो भी है ये सब डूबने वाले पहाड़ के ऊपर पहुंचे हुए। तुमने कभी देखा है हरकति करके देखा है अंदर? मैं कहाँ हूँ, मेरी माँ कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, शोक का देखो अंदर में कुछ, देखो ना जो होता है क्या होता है, देखो उसको, तो उससे अलग होके रहो, रहो सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन दूर होके रहो, अटैचमेंट से दूर रहो। क्या भी हो जाता है जगत में, क्या भी होता है, कुछ होना नहीं चाहिए तुमको, कुछ नहीं लगना चाहिए। ब्रह्म अमर है, अजर है, अविनाशी है। तुम्हारी माँ अपने को ब्रह्म मानती है तो मरती नहीं कभी, इतना ध्यान रखना, कभी नहीं मरती, अमर आत्मा, इतना निश्चय करो मरेगी नहीं, अमर आत्मा है। और तुम क्या करेगा, शक्ल देखेगा काला गोरा रोएगा बेकूफ की तरह? शक्ल से तो तुम रोता है, आत्मा तो आज भी है, प्रभु आज भी है, पति पति परमात्मा, पति आज कहाँ गया है, परमात्मा है ना, पति परमात्मा, प्राणों का रक्षा करने वाला पति आज भी है, गया है, गया है। अब तुम क्या करेगा, वो नाक मुंह याद करेगा, तो पाप करता है, भगवान को भूल गया, नाक मुंह याद करता है, तो भगवान को याद करो, पति भी है, पुत्र भी है, द्रव्य भी है, सब है, सुना, सब प्रभु है, ऐसा तुम हरकति लो। जब तक हरकति नहीं लेता है तुम मूर्ख है, और जब तुम हरकति ले लेगा तुम विवेकी हो। हरकति लेके बैठो, क्या भी होगा देखो, मुझे क्या होगा ऐसा देखो अंदर में बैठ के, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं रोता है, मूर्ख आदमी की तरह। अरे वो क्या करता था, मेरा माँ क्या करता था, मेरा बाप क्या करता था, चलो मैं करूँ। अब हम अपने बाप के लिए कभी नहीं रोए, लेकिन मेरा बाप 18 दिन गीता पाठ करता था, मैं जिंदगी भर गीता पाठ करता हूँ, तो अब मैं क्यों रोऊं बाप के लिए, क्यों रोऊं? उसने जब बोला पिताजी गुजर गए, मुझे ऐसा लगा मेरे में समा गए। मेरी बहन आते रोती हुई कहती है पिताजी गुजर गए, हमको ऐसा लगा मेरे में समा गए, मुझे ऐसा भास हुआ सुनते ही। क्यों? वो अमर आत्मा कहता था तो वो कहाँ मरा, आत्मा तो मरती नहीं, हम क्यों रोए, आत्मा मरती नहीं है। ये हेरा फेरी चेंज देखने में आता है, स्थूलता, स्थूल आंख है, स्थूलता देखने में आता है, कोई मरता नहीं, अजर आत्मा अमर है, मरता ही नहीं, बहुत होता ही नहीं, इसलिए तो हम लोग क्रियाकर्म भी नहीं करते ना। तुमने बोला तुम्हारी माँ मरी, क्रियाकर्म करो, हमने किया ही नहीं, क्यों करें क्रियाकर्म? मेरी माँ तो रात दिन भजन गाती थी, क्यों उसका क्रियाकर्म क्यों करें हम? वो तो जिंदे में क्रियाकर्म कर गई है, हमने नहीं किया कोई क्रियाकर्म। हाँ सत्संगी ने कुछ खाया पिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने कोई क्रियाकर्म नहीं। मरा होगा तो हम क्रियाकर्म करें, वो जिंदा आत्मा है परमात्मा में, जिसकी लिंक जुड़ी है, भजन में लिंक जुड़ी है, उसको हम क्यों मरा समझे? वो तो निराकार निरंजन है, नहीं मरता, सही बताए। हम लोग का तो कभी भी शरीर छोड़े ना, कोई क्रियाकर्म करने की जरूरत नहीं, एक दाना भी किसी को देने की जरूरत नहीं। हाँ हमारे सत्संग पिलाओ पिलाओ पहनाओ जो चाहिए दे दो, लेकिन और पंडितों को किसी को देने की जरूरत नहीं। हमको माँ नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, हमको मालूम है मेरा अनाज खाने वाला वो भजन नहीं करता, मेरे ये पंडित है ये भजन करते, इनको खिलाओ पिलाओ तुम ऐसा करो, लेकिन दूसरा कोई नहीं करता भजन, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने। बाल बनाते हैं, नाक बनाते हैं, क्या फायदा, फिर बाल निकल आते हैं। इतना मूर्खता, फिक्र के 13 दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, औरत भी बाल न बनाए,
ना नहीं कहते ये नहीं दाढ़ी बनाएंगे। अरे क्या हो जाएगा उससे भाई, मसानी बाबा बनने से क्या हो जाएगा, इतने ऊपर चले जाएंगे, इतनी मूर्खता की बात बताइए। अरे भाई भजन सत्संग करो, जहाँ से तुम्हारा दाढ़ी मच जाएगा वहां से भजन भी चला जाएगा, जहाँ से तुम्हारा खाना जाएगा वहां से हमारा भजन भी जाएगा। वो बात नहीं सिखाएंगे। एक दिन हम लखनऊ में रहे, वहां बम्बई में कहीं गाँव में बाल ही नहीं बनाने देते थे 12-15 लड़के बनाए। देखो तो जरा इतनी मूर्खता की बात होती है। लड़का तो उसका पोता, वो तो बाल बनाए, दाढ़ी मोची बनाए, बातें बनाए, स्कूल जाए, अपने दफ्तर जाए। औरत बाल भी न बनाए, नह भी नहीं काटे, एक ही धोती हुई पहने नहीं पाते। इतनी शरण बताओ, गर्मी के दिन मरण, ये क्या क्या तुम्हारा धर्म होता है? औरत बैठ के भूखी प्यासी सर पीटे, भूख तो रोने का मन ना हो, दो चार दिन ही बाहर से आ जाए, आयत का मन होता है सर स्यापा बैठा, वो ठंडी में बैठे दरी बिछा के। ये तो सब हमने खत्म किया है, याद रखना, इसीलिए तो हमको सब गाली देते हैं। अरे भाई जिसको जो होना था वो तो हो चुका, अब वो बेचारी के कमर में ठंडी लगेगी, दरी में बिछा के ऐसे बैठा, तुमको मालूम है दिन भर खाना नहीं देंगे, शाम के टाइम खाना देंगे? ये तुम्हारा धर्म है क्या? ये बैल वाला धर्म हमने सब खत्म कर दिया। अब बच्चे कुछ खाना चाहते हैं, ये बुढ़िया नहीं खाती है, घर में अपने ही कुछ बनाने दो। आजकल डालडा तो बच्चों को मिलता है, कुछ अंडा फंडा खाने को होगा तो बनाने नहीं देंगे चूल्हे पे। भाई तुम ना खाओ, वो बच्चे खाए तो क्या हर जाए, पंडिताइन नहीं खुद खाएंगे तो बच्चों को भी नहीं खिला देंगे। अब बच्चा अपने बर्तन में बना खाए क्या हुआ? अरे भाई अंडा है, सेब है, प्रोटीन है, तो खाना खाता है तो बच्चा क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ? ये सब तुम्हारा हमने हटाया है, हटाया है। बच्चे बेचारे खाने तो पाते हैं, जितने बच्चे इसी बात से हमको धन्यवाद देते हैं। अरे खाने का यहाँ तक बच्चे को भगाने को तैयार, लेकिन बनाने नहीं देते। अरे भाई तुम ना खाओ, वहाँ एक पीपल के पेड़ के वहाँ किसी पेड़ के नीचे बनवाओ, खाए वो जो खाना हो, मार दो के बर्तन हटा दो, बस क्या हुआ? आने में तो कोई बुराई नहीं है, जिसको जो सूट करता है वो खाए। ये हम लोग ऐसी पर क्या लेके चले हैं भगवान जाने। पहले ये सब आए, हमारे यहाँ लहसुन खाया जाए, लहसुन हम लोग खाते हैं, ये बहुत खराब। कटहर बनाते हो तो बड़े मजे से बनाते हो, और मसाला डालते, और मसाला डालते, कौन सा मसाला डालते हो उस कटहर? कटहर काटते हो दूध निकलता है, बोलता नहीं, दूध तो निकलता है। अच्छा उसका कटहर जब बनाने के टाइम देखना तो मानना, दिल से देखना किस तरह से वो कटहर बनाते, बटुआ कुटुआ झुटुआ बनाते। हाँ क्या हंस रही है, सच्ची बात हंस रही है, तुम्हारे बहू बेटे के लिए। एक बुढ़िया हमारे पास है, वो पान चबाया, अपनी बहू को वो सेकाई करेगी, उसको रात रात को निकाल के बाहर फेंक दे। हमने बोला ये बुढ़िया तू का बहू के तरह सताती है, तो बहुत गाली देते थे, हम बहुत लड़ाई लड़ते थे, हम बहुत लड़ते थे। हमको पराठा भी खिलाए, चाय भी पिलाए, बहुत सेवा करे, अब वो बुढ़ा रोज गाली खाए। बहू तो खुद ही खा के खुद ही पी के खुद ही जीती है, लेकिन हमको मतलब नहीं, लेकिन बूढ़ा को बेचारे खा खा के गाली दे, बहू को सताऊं, बादाम खिलाया तो गाली, बादाम खा के ताकत आ गई। हम क्यों सताएं किसी, हम ज्ञान सुनते हैं तो हम दूसरे क्यों सताएं? तो खुद ही अपने विचार से सते तो सते, हम ना सताएं किसी, नहीं हम फिर कर्म भोगने आएंगे। जो भी जो कर्म करता है नहीं भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा प्रत्यक्ष, या अच्छा कर्म करता है तुमको अच्छा मिलेगा, बुरा करता है तो बुरा मिलेगा। हम क्यों करें, कर्म ही क्यों करेंगे? बाबा नमस्कार हम कर्म ही नहीं करेंगे, नहीं तो बोलता है सत्कर्म बुरा करो, करो तो अच्छा करो लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल